हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 17 करेंगे। डेट है इसकी 2 सितंबर 2021 और वर्कशीट का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ इंटेजर्स। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कंपैरिजन ऑफ इंटेजर्स। तो देखो, फर्स्ट इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू पॉजिटिव इंटेजर्स, द इंटेजर विद ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर। तो जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ एग्जांपल किसका लिया गया है देखते हैं हम लोग। जैसे +64 और +34 दोनों जो हैं पॉजिटिव इंटीजर हैं। प्लस जिनके आगे लगा हो वो पॉजिटिव होते हैं, जिनके आगे माइनस लगा हो वो नेगेटिव होते हैं। तो जो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव इंटेजर हैं। अब दो पॉजिटिव इंटेजर को जब हम कंपेयर करते हैं तो जिसकी बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ा होगा। यानी देखो, 64 बड़ा है या 34 बड़ा है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि 64 बड़ा है। ये तो सिंपल हो गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे। इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू नेगेटिव इंटेजर्स, द इंटेजर विद स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर। अभी तो हमने बात की दो पॉजिटिव इंटेजर की, अब यहाँ पर दो नेगेटिव इंटेजर हैं। दोनों के आगे माइनस है तो दोनों नेगेटिव इंटेजर हैं। अब मैंने आपको पिछली वर्कशीट्स में बता रखा है कि नेगेटिव इंटेजर में हमेशा उल्टा हो जाता है, यानी जो बड़ा होता है वो छोटा माना जाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है। तो यहाँ पर -45 बड़ा होगा। उसके बाद देखो, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्यों बड़ा माना जाता है। अभी हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। इफ़ यू आर कंपेयरिंग वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटेजर, देन पॉजिटिव इंटेजर इज ऑलवेज ग्रेटर। अगर आप यहाँ पर एक पॉजिटिव है, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो अब इस केस में क्या होगा। देखो, माइनस के जो नंबर होते हैं, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, वो जीरो से भी छोटे होते हैं, तो पॉजिटिव बड़ा होगा। यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव ही बड़ा माना जाएगा क्योंकि माइनस वाले तो जीरो से भी छोटे होते हैं। इसलिए जीरो इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटेजर। जितने भी नेगेटिव इंटेजर होते हैं, -6, -5, -201 भी हो ना, इससे भी जीरो हमारा बड़ा माना जाएगा क्योंकि जीरो से पीछे आते हैं सारे नेगेटिव इंटेजर। तो अगर जीरो की कंपेयर की जा रही है किसी नेगेटिव इंटेजर के साथ, तो हमेशा जीरो बड़ा होगा। और अब यहाँ पर तो नेगेटिव इंटेजर की बात थी, अब किसी पॉजिटिव इंटेजर के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं जीरो का, तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव बड़ा होगा क्योंकि जीरो से आगे पॉजिटिव आते हैं। ठीक है, इसलिए तो ये कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं, यानी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अभी देखिए, कंपैरिजन ऑफ नंबर यूजिंग नंबर लाइन, नंबर लाइन से समझते हैं। जीरो बीच में होता है, जीरो से आगे सारे पॉजिटिव इंटेजर होते हैं और जीरो से पीछे सारे नेगेटिव इंटेजर होते हैं। तो जब भी मैं बोलूँ कि दो बड़ा है या जीरो बड़ा है, तो आप कहेंगे कि टू बड़ा है क्योंकि जीरो से आगे आ रहा है वो, और वो पॉजिटिव है। अब जीरो से पीछे वाले जितने भी नेगेटिव इंटेजर हैं, उनमें से मैं बोलूँ -2 बड़ा है या जीरो बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि जीरो बड़ा है क्योंकि जीरो जो है -2 से आगे आ रहा है ना, जीरो -2 से आगे आ रहा है, या ये कह लो कि -2 जीरो से पीछे की तरफ है। इसलिए जीरो हमेशा हर किसी नेगेटिव इंटेजर से बड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पर हम एक और चीज़ समझते हैं। ऑन अ नंबर लाइन द नंबर इंक्रीजेज एज वी मूव फॉरवर्ड राइट एंड डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड लेफ्ट, हैंस द ऑर्डर ऑफ इंटेजर इज रिटन एज -4, -3, -2, -2 और -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब देखो, जीरो से पीछे जो है नंबर छोटे होते जाते हैं, जीरो से आगे बड़े बनते जाते हैं। अब जीरो से पीछे है -1 और यहाँ है -3, तो अब इसमें -1 बड़ा है या -3 बड़ा है। तो देखो, 3 से आगे है 1, 3 से -3 से आगे है ना 1, तो 1 बड़ा होगा। तो ये ही उल्टा हो जाता है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने कहा था ना, जब माइनस की होती है तो जो छोटी संख्या होती है वो बड़ा होता है। तो देखो, अभी जो नेगेटिव इंटेजर है वहाँ पर, यहाँ पर मैं बोलूँ -3 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो यहाँ हमेशा -1 बड़ा होगा क्योंकि -1 -3 से आगे की तरफ है। ठीक है, ऐसे ही -20 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो यहाँ पर क्या बड़ा होगा, -3 बड़ा होगा, क्योंकि अगर ऐसे चलते जाएंगे तो बड़ा पीछे जाकर -20 आएगा और -20 से काफ़ी आगे -3 पड़ रहा है, तो यहाँ -3 ही बड़ा कहलाएगा। तो नेगेटिव इंटेजर में उल्टा होता है, बड़ी संख्या मान लो -25 और -3, तो यहाँ पर भी -3 ही बड़ा होगा। बड़ी संख्या कभी भी बड़ी नहीं होती नेगेटिव इंटेजर में, लेकिन छोटी संख्या नेगेटिव इंटेजर में बड़ी मानी जाती है। -1 नेगेटिव इंटेजर्स में सबसे बड़ा है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए।
therefore, अब यहाँ पर कुछ देखते हैं हम लोग, माइनस थ्री और माइनस टू कौन सा बड़ा कहलाएगा? माइनस टू बड़ा कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये छोटी संख्या है, नेगेटिव है, और माइनस टू दोनों नेगेटिव है, माइनस वन और माइनस टू, देखो माइनस वन यहाँ पर है, माइनस टू इससे पीछे की तरफ है, तो ये देखो टू से, माइनस टू से आगे है ना माइनस वन, तो यहाँ पर माइनस वन बड़ा होगा। अब माइनस वन बड़ा है या ज़ीरो बड़ा है? तो देखो माइनस यानी ये नेगेटिव इंटेजर है और यहाँ ज़ीरो है। अब मैंने आपको बताया था हर एक नेगेटिव इंटेजर से बड़ा ज़ीरो होता है, तो यहाँ ज़ीरो बड़ा होगा। अब ज़ीरो बड़ा है या वन बड़ा है? वन पॉजिटिव का है, ज़ीरो बीच में है, तो देखो पॉजिटिव का वन बड़ा होगा, यानी ये बड़ा, पॉजिटिव का वन बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद टू बड़ा है या थ्री बड़ा है? ये दोनों ही पॉजिटिव के हैं तो थ्री बड़ा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में तो नॉर्मल हो जाता है कि थ्री ही बड़ा होगा, ठीक है। नेगेटिव में छोटी संख्या बड़ी होती है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, एवरी पॉजिटिव इंटेजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटेजर, ये ना आपको याद करना होगा, जब भी कोई कंपैरिजन हो तो आप नंबर लाइन को अपने मन में लाइए, आपको सब याद आ जाएगा। तो हर पॉजिटिव इंटेजर नेगेटिव इंटेजर से बड़ा होता है, ये तो आपको पता है। फार्दर अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन द राइट साइड ऑफ अ नंबर लाइन ग्रेटर इज इट्स वैल्यू, ज़ीरो से सारे पॉजिटिव इंटेजर्स बड़े होते हैं। फार्दर अ नंबर फ्रॉम ज़ीरो ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ नंबर लाइन स्मॉलर इज इट्स वैल्यू, ज़ीरो से इस साइड के सारे नेगेटिव इंटेजर्स की संख्या जो होती है, मतलब ज़ीरो से सारे नेगेटिव इंटेजर छोटे होते हैं, ठीक है। ज़ीरो इज़ नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ज़ीरो को पॉजिटिव भी नहीं कह सकते और ना ही नेगेटिव कह सकते हैं। उसके बाद कॉन्क्लूशन, अब कॉन्क्लूशन देखिए, एक प्लस का इंटेजर है, एक माइनस का इंटेजर है, तो प्लस का इंटेजर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। एक ज़ीरो है, एक प्लस का इंटेजर है, तो प्लस का इंटेजर हमेशा बड़ा होगा। एक ज़ीरो है और एक नेगेटिव इंटेजर है, तो ज़ीरो हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। अब आइए लेट्स डू की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन वन देखो, यहाँ से आपको क्वेश्चंस करने अपने कॉपी में स्टार्ट करने हैं। क्वेश्चन वन, इन सर्कल द लार्जर इंटेजर, बड़ा इंटेजर पर आपको सर्कल लगाना है। ए, माइनस फाइव बड़ा है या माइनस टू बड़ा है? तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव की बात हो रही है, माइनस की बात हो रही है, तो माइनस में हमेशा छोटी संख्या बड़ी होती है, यानी माइनस टू बड़ा है, तो इसके ऊपर मैं सर्कल कर रही हूँ। अब यहाँ माइनस सिक्स बड़ा है या प्लस सिक्स बड़ा है? तो एक देखो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव में हमेशा पॉजिटिव बड़ा होगा, ठीक है, तो ये प्लस सिक्स बड़ा है। ज़ीरो बड़ा है या बारह बड़ा है? अब देखो बारह के आगे ना ही प्लस का साइन है ना ही माइनस का साइन है, तो इसे प्लस का ही माना जाएगा। जिस भी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता तो उसे प्लस का ही माना जाता है। तो देखो ट्वेल्व बड़ा है या ज़ीरो बड़ा है? तो यहाँ पर प्लस का ट्वेल्व है तो प्लस बड़ा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, प्लस थ्री बड़ा है या माइनस फाइव बड़ा है? एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो हमेशा इस केस में पॉजिटिव ही बड़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग, ये जो साइंस दे रखे हैं इनका यूज़ कर। तो देखो ए, ज़ीरो बड़ा है या माइनस थ्री बड़ा है? तो देखो ज़ीरो बड़ा होगा इधर। माइनस सिक्सटी या माइनस एट्टी? अब देखो नेगेटिव इंटेजर हैं दोनों, नेगेटिव में छोटी संख्या बड़ी होती है। माइनस फोर्टी थ्री या माइनस फाइव? इसमें माइनस फाइव बड़ा है। फोर्टी या माइनस फिफ्टी वन? अब यहाँ पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा। वन हंड्रेड सिक्स या एट्टी? अब यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो बड़ी संख्या बड़ी होगी। माइनस सेवन या फाइव? अब देखो एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बड़ा होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द फॉलोइंग इंटेजर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये जो इंटेजर्स आपको दे रखे हैं इनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो ये देखिए पहला क्या है, फोर, फिर माइनस फोर, सिक्स, माइनस एट और ज़ीरो, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी। बढ़ता हुआ क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा, बढ़ता हुआ क्रम। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, माइनस एट है, उससे बड़ी माइनस फोर है, फिर ज़ीरो है, फिर फोर है और सबसे बड़ी सिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से इसको भी हमें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में लगाना है। इनमें से सबसे छोटी है माइनस ट्वेंटी एट, उससे बड़ी माइनस वन, उससे बड़ी सात, फिर चौदह, फिर थर्टी फाइव, ओके। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटेजर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी नीचे आते हुए क्रम में, यानी सबसे जो बड़ा है वो सबसे आगे आएगा और सबसे छोटा जो है लास्ट में आएगा। देखिए राइट द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, गिरते हुए क्रम में, पाँच, माइनस सात, छः, माइनस दो और ज़ीरो।
तो यहाँ पर देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर इनका कैसे होगा, सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, तो 6 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 5 है, उससे छोटा 2 है, उससे छोटा माइनस 2 है और सबसे छोटा है माइनस 7। ठीक है, इसी प्रकार से बी क्वेश्चन को भी आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो इन सभी नंबर में से सबसे बड़ा है 69, उससे छोटा है 64, उससे छोटा है 28, उससे छोटा माइनस 42 और सबसे छोटा है माइनस 75। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो देखिए अब मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, हमारे चैनल पर रोल प्ले कॉम्पिटिशन हो रहा है, अभी चल रहा है, और इसमें आपको अपनी वीडियो भेजनी है अपने किसी भी नाटक करके, कौन सा नाटक करना है, कैसे करना है, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इस कॉम्पिटिशन की लिंक कि इसमें क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो इस कॉम्पिटिशन के वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को ज़रूर देखिए और इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लीजिए, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में आपको सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ज़रूर हिस्सा ले लीजिएगा। और वर्कशीट आपकी यहीं फिनिश होती है, हमने सॉल्यूशंस भी देख लिए हैं, आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। थैंक यू।